शहीद जवान नीमा तेंजिन का आज अंतिम संस्कार होना है। लेह की सड़कों पर नीमा तेंजिन की आज श्रद्धांजलि यात्रा निकाली जा रही है। चीन के सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हुए थे नीमा तेंजिन। 29 से 30 अगस्त को पैंगोंग लेक के दक्षिणी क्षेत्र में ये झड़प हुई थी। भारत की SFF की विकास रेजिमेंट के कंपनी लीडर थे नीमा तेंजिन, लद्दाख के लेह से। हमारे साथ कृष्णमोहन मिश्रा, मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं जो वहां से हमें तस्वीरें दिखाएंगे। कृष्णमोहन मिश्रा, शीरीन, जैसा कि आप देख रही हैं कि इस समय शहीद कंपनी लीडर नीमा तेंजिन का शव, उनका पार्थिव शरीर यहाँ लेह के पास चोकलामसर के पास जो अंतिम संस्कार करने के लिए लाया गया है, उनकी रेजिमेंट यानी विकास रेजिमेंट के जवान उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस समय श्रद्धांजलियों का सिलसिला चल रहा है। चारों तरफ बौद्ध मंत्र गूंज रहे हैं। पूरे बौद्धिक रीति रिवाज और सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और दरअसल चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि बुद्धिस्ट भिक्षु नजर आ रहे हैं। उसके अलावा जगह जगह आपको तिब्बती और भारतीय झंडे साथ में नजर आ रहे हैं। यहाँ जो तिब्बती कम्युनिटी रहती है, लद्दाख में एक बहुत बड़ी तादाद है जो तिब्बती शरणार्थियों की है। तकरीबन 7,000 से ज़्यादा तिब्बती शरणार्थी यहाँ पर रहते हैं और उनमें इस बात को लेकर बहुत उत्साह था जितने लोगों से ये बात की। और अभी भी ये चीज़ अंतिम संस्कार में भी नजर आ रही है। जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं कि उनको पहली बार चीन के साथ दो दो हाथ करने का मौका मिला। पहली बार उनको चीन से अपना हिसाब चुकाने का मौका मिला। 60 साल के दमन का सामना कर रही है तिब्बती कम्युनिटी तिब्बत में, और यहाँ जो शरणार्थी हैं वो उस दुख को महसूस करते हैं। ये पहली बार है कि जब उनको एक चीनियों के साथ लड़ने का मौका मिला और उन्हें लगता है कि चीनियों के साथ बदला लेने का वक्त आ गया है और चीन के पंजे से तिब्बत को छुड़ाने का समय आ चुका है। अभी आप देख रहे हैं कि उनको आखिरी सलामी दी जा रही है। शहीद कंपनी लीडर नीमा तेंजिन को शोक शस्त्र यानी कि सारी राइफलें उल्टी कर दी गई और उनकी रेजिमेंट यानी विकास रेजिमेंट के जो सैनिक हैं वो उनको आखिरी विदाई दे रहे हैं। ब्यूगलर्स तैयार हैं लास्ट पोस्ट की धुन बजाने के लिए। लास्ट पोस्ट एक मातमी धुन है जो किसी भी सैनिक किसी ऑपरेशन में काम आता है उसके अंतिम संस्कार के समय बजाई जाती है। इसमें देखो कि विकास रेजिमेंट के जवान शस्त्र अपनी राइफलें उल्टी करके शहीद नीमा तेंजिन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो लेह से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यूनिट में तैनात नीमा तेंजिन की शहादत को आज वहां पर लोग नमन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। फिर से आपको लेह लिए चलते हैं, वहां से आपको तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि वहां शहीद नीमा तेंजिन को इस वक्त श्रद्धांजलि दी जा रही है। और कृष्णमोहन मिश्रा लगातार वहां से तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। कृष्णमोहन, अच्छा ठीक है, शरीन, अभी उनको आखिरी सल्यूट नीमा तेंजिन को दिया जा चुका है और अब अलग अलग जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो उनके ऊपर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। दरअसल बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों में एक संस्कृति होती है, उसमें सम्मान के लिए एक खास तौर पर का कपड़ा दिया रखा जाता है जिसे तंका कहते हैं। तो इस समय अलग अलग जो भी धार्मिक गुरु हैं या जो गणमान्य लोग हैं वो उनकी पार्थिव शरीर पर तंका अर्पित कर रहे हैं। एक साथ हर जगह तिब्बती झंडे और तिरंगा यानी भारत का और तिब्बत का राष्ट्रीय ध्वज एक साथ नजर आ रहा है। और यहाँ पर एक भावना बार बार नजर आ रही है शीरीन, वो है चीन के भयंकर विरोध की और चीन के लिए बहुत ज्यादा क्रोध की। तिब्बती कम्युनिटी पिछले 60 साल से चीन का दमन झेल रही है, वो शरणार्थी होकर भारत आए। भारत के लिए उनके दिल में बहुत ज्यादा प्रेम है क्योंकि भारत ने उनको उस वक्त शरण दी जब चीन की सेना उनका बहुत क्रूरता से दमन कर रही थी।
लेकिन साथ ही उनके मन में हमेशा एक भावना रहती है कि कब वो समय आएगा कि जब वो वापस अपने देश लौट पाएंगे। और इस चीज की इनकी दरअसल 29-30-31 की जो घटना थी उसने इनके मन में एक उम्मीद जगाई है, उम्मीद की पहली किरण कि जो पहली बार तिब्बती योद्धाओं को चीन से सीधे लड़ने का मौका मिला और वो एक शुरुआत की तरह वो ले रहे हैं कि शायद ये एक शुरुआत थी जिसके बाद उनको अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने का मौका मिले चीन के दमन का जो शिकार हो रही है पिछले 60 साल से। विकास रेजिमेंट के जवान आपको नजर आ रहे हैं जो कि श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दरअसल कंपनी लीडर नेमत इंजन की लगभग 33 साल की नौकरी थी, 1987 में वो भर्ती हुए थे विकास रेजिमेंट में, उनका बड़ा बेटा भी विकास रेजिमेंट का ही हिस्सा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि इस परिवार की भावनाएं कैसी होंगी। और एक दूसरे विकास रेजिमेंट के एक दूसरे सैनिक के पिताजी से भी मेरी मुलाकात हुई और उनके दिल में इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर गर्व था कि कम से कम उनको पहली बार चीन के साथ लड़ने का मौका मिला। जाहिर तौर पर, और ये तस्वीरें बताती हैं कि चीन के प्रति गुस्सा और इस शहादत के बाद नम आंखों से निमा तेंजिन को विदाई दी जा रही है। गौरवान्वित यहाँ हर तिब्बती महसूस कर रहा है और साथ ही पूरा देश भी। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.